आज की कहानी है राजा और रंक की। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक राजा और रानी को एक पुत्र का जन्म हुआ। उसे एडवर्ड नाम दिया गया। महल में सभी लोग आनंदित थे और शिशु राजकुमार को आशीर्वाद देने आए। उसी दिन एक बहुत ही गरीब परिवार में एक और छोटे लड़के का जन्म हुआ। उसका नाम टॉम रखा गया। उनका परिवार इतना गरीब था कि उनके पास खाना खरीदने के लिए भी बहुत कम पैसे थे। प्रिंस एडवर्ड के पास हमेशा भरपूर भोजन और सुंदर कपड़े होते थे। राजा ने अपने इकलौते बेटे पर ध्यान दिया और उसे आराम और प्यार से पाला। टॉम गरीबी और भूख में बड़ा हुआ और उसे खाने के लिए अजनबियों से भीख मांगनी पड़ी। टॉम के पिता बहुत ही क्रूर और मतलबी थे। टॉम परेशान था और घर छोड़ दिया। सड़कों पर तब तक भटकता रहा जब तक कि उसने खुद को एक शानदार महल के सामने नहीं पाया। पहरेदारों ने उसे महल में प्रवेश करने से रोक दिया। उसी समय प्रिंस एडवर्ड टहलकर लौट रहे थे। तभी उन्होंने गार्ड के गुस्से से चिल्लाने की आवाज़ सुनी। लेकिन एक अच्छा राजकुमार होने के नाते उसने पहरेदारों को आदेश दिया कि उसे महल में प्रवेश करने दें। राजकुमार ने टॉम को खाने के लिए बहुत सी अच्छी चीज़ें दी। उन्होंने अपने स्थानों की अदला बदली करने का फैसला किया। टॉम हिचक रहा था, लेकिन उसने राजकुमार के साथ बहस करने की हिम्मत नहीं की। दोनों लड़कों ने कपड़ों का आदान प्रदान किया और वे यह देखकर चकित रह गए कि वे कितने एक जैसे दिखते थे। एक कंगाल के रूप में तैयार राजकुमार महल से बाहर चला गया, क्योंकि वह बाहरी दुनिया देखना चाहता था। गार्ड ने उस पर गुस्सा किया। गार्ड ने राजकुमार को टॉम समझ के महल से बाहर निकाल दिया। इस बीच टॉम के पिता, जो उसे सड़कों पर खोज रहे थे, उन्होंने राजकुमार को देखा और उसकी ओर दौड़े। उसने हमेशा की तरह राजकुमार के साथ बुरा व्यवहार किया और महल में टॉम थोड़ा बेहतर था। हालांकि उसने यह बताने की बहुत कोशिश की कि वह प्रिंस एडवर्ड नहीं है, मगर किसी ने यह बात नहीं मानी। सेवकों ने भी उस पर विश्वास नहीं किया। टॉम के पास अपना नाटक जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। टॉम के पिता द्वारा राजकुमार को टॉम समझ के उसकी प्रतिदिन पिटाई होती थी। राजकुमार उससे डरता था और अब बहस करने की कोशिश नहीं करता था। जैसे ही उसने गांव में अपना रास्ता बनाया, राजकुमार ने उन चीज़ों के बारे में सोचा जो उसने अनुभव की थी। वह टॉम के पिता को दंडित करना चाहता था, लेकिन महल में कोई भी एडवर्ड को सच्चे राजकुमार के रूप में नहीं पहचान पाया। एडवर्ड घर घर जाता रहा, लेकिन गांव में कोई भी उसे खाना नहीं देना चाहता था। एडवर्ड गांव में भटकता रहा, लेकिन उसे एक दिन का भोजन भी नहीं मिल सका। ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक दिन एडवर्ड एक पड़ोसी देश में एक शूरवीर के पास आया, जिससे वह पहले मिला था। एक बार उन्होंने एक साथ तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग लिया था। अपने मौके का फायदा उठाते हुए एडवर्ड ने उन्हें उनकी पिछले मुलाकात का विवरण याद दिलाया और उन्हें उनकी असली पहचान के बारे में समझाने की कोशिश की। शूरवीर सहमत हो गया और उससे उसकी मदद करने का वादा किया। उसने राजकुमार को अपने घोड़े पर बिठाया
और वे एक साथ महल की ओर चल पड़े। जब यह सब हो रहा था, राजा की मृत्यु हो चुकी थी और महल में हर कोई टॉम के राज्याभिषेक पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। उसी समय प्रिंस एडवर्ड सिंहासन कक्ष में घुस गए। टॉम भ्रमित था, वह जानता था कि उसका कर्तव्य क्या है, लेकिन वह एक कंगाल के रूप में अपने पूर्व जीवन में वापस जाने से डरता था। अंत में उसने एक निर्णय लिया और शोरगुल के ऊपर अपनी आवाज उठाई। वह सच बोलता है, टॉम ने घोषणा की, मैं प्रिंस एडवर्ड नहीं हूँ, वह है। टॉम हमेशा एक ईमानदार और सभ्य लड़का रहा है और इसलिए प्रिंस एडवर्ड को राजा का ताज पहनाया गया। वह टॉम की ईमानदारी और वफादारी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने टॉम को दरबार में रुकने को कहा और उसे शूरवीर बना दिया। टॉम किंग एडवर्ड का मुख्य सलाहकार बन गया और अपना शेष जीवन महल में ही व्यतीत किया। राजकुमार और कंगाल असली भाइयों के समान हो गए और सम्मान और उदारता के साथ देश पर शासन किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर कोई सुरक्षित और संतुष्ट रहे। और ये थी आज की कहानी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ऐसी और नई कहानियों के लिए, और मेरी इन कहानियों को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।